हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं इफ्तार स्पेशल में लाई हूँ बहुत ही टेस्टी चीज़ जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये मैंने दो आलू ले लिए हैं, उबले हुए आलू हैं ये। तो इनको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो इस तरह से फॉर्क की मदद से आप इसे तोड़ लें आलूओं को अच्छे तरीके से। तो ये बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और एक अलग तरीके की ये फिंगर्स हैं, ब्रेड फिंगर्स, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से मैंने आलू कर लिया है और ये मैंने हरी मिर्च और प्याज और हरा धनिया कट कर लिया था, उसे डाल दिया है। तो अब हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें। तो हम नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। और ये चिली फ्लेक्स है, तो ये देखिए कुटी हुई मिर्चें। और ये मैंने यहाँ जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर ले लिया है। और यहाँ मैं ये ओरिगैनो डालूँगी, तो ये मैंने आधा चम्मच ओरिगैनो डाल दिया है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ना डालें। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन्हें, तो बिल्कुल बारीक कर लें इन्हें तोड़ कर आलूओं को, और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो इस तरह से मैंने ये मिक्स कर लिया है। तो अब हम ले लेते हैं ब्रेड। तो ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही फटाफट से ये बन जाते हैं। तो हम एक एक ब्रेड पे इस तरह से ये लगाते जाएंगे, तो अच्छे से दबा कर लगा दें। तो सारी ब्रेड पे हम इसी तरह से लगा लेंगे, जितनी भी ब्रेड पे आप लगा लें, ठीक है। मैंने यहाँ 3 से 4 ब्रेड पे लगाऊंगी। तो यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो आप भी इफ्तार में इन्हें ज़रूर से बनाएं। तो ये सारी ब्रेड में मैंने इस तरह लगा दिया है। अब इन्हें हम फिंगर की तरह कट कर देते हैं, लंबाई में इन्हें कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इतने इतने पतले टुकड़े हमें कट कर देना है। चाहे तो आप छुरी से कट कर दें या फिर कैंची से कर दें, जिससे आपको ठीक लगे। तो यहाँ मैंने कैंची से इसे कट कर दिया है। तो सारी ब्रेड हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो 4 ही ब्रेड से बहुत सारे ये बन जाते हैं। ये देखें बहुत सारे बन गए हैं। अब मैंने सभी ब्रेड कट कर लिए। तो अब हम इसमें हम 2 अंडे ले लेते हैं, इन्हें तोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 अंडे लेना है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो बस थोड़ा सा नमक डालना है अंडों में और इसे अच्छे से फेंट लेना है। ये देखें अच्छे से फिट गए हैं ये। तो और मैंने ले लिया यहाँ ब्रेड क्रम्स। तो अंडे में पहले हम इसे डिप करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे ही फिंगर्स हम इसी तरह से कर लेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर उन्हें कोट करके रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ही कर लें। तो ये मैंने सारे ही अंडे में डिप करके और वो लगा कर रख लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तेल को हमने गरम कर लिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो गोल्डन फ्राई करना है इन्हें, ठीक है। तो एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं। तो जितने आ जाएं उतने डाल दें। तो यहाँ मैं 4 से 5 डालूँगी, ठीक है। तो गैस को हमने तेज रखा है और इन्हें हमें गोल्डन फ्राई करना है। एकदम बढ़िया करारे एकदम क्रिस्पी बनते हैं ये। तो इसी तरह से हमें फ्राई करना है। पहले एक तरफ पक जाएंगे और फिर दूसरी तरफ हमें पलटना है इन्हें।
तो यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी इफ्तार में ज़रूर से बनाएं। तो इस तरह से अब पलट देने हैं, खुद से भी पलट जाएंगे, और कुछ नहीं पलटे हैं वो खुद से पलट दें, और गैस को तेज़ ही रखें, हल्का ना करें। ये इस तरह से गोल्डन फ्राई करना है, तो सारे ही मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही ये फिंगर्स फ्राई कर लिए हैं। अब इनको मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाने में भी आसान है, तो आप भी बनाइएगा ज़रूर इफ्तार में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।